Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are fine. Class, this is Sana Ahmed. I'm your math teacher. Class, the last time जो है हमने last class में हमने जो है three का table किया था जो कि हमने copy में किया था और हमने page number 7 किया था subtraction. Book page number 7 किया था subtraction. आप लोगों को याद होगा आप लोग अपनी जो है वो जल्दी से books open कर लें. All of you open your books. Open your book page number 11. Hurry up all of you. तमाम बच्चे जो है अपना book page number 11 open करें. उसके बाद जल्दी जल्दी ओपन कर रहे हैं. उसके बाद हम जो है अपने काम की तरफ बढ़ते हैं. लास्ट टाइम हमने जो है वो सब्ट्रैक्शन का काम किया था. मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए लिया था पेज नंबर 7 और नहीं हमने जो है लास्ट टाइम हमने क्लास 3 का टेबल किया था और हमने क्लास में ही जो है वो 7 का पेज नंबर 7 किया था. उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने पेज नंबर 9 जो है वो घर से करना है और ट्रेसिंग का काम था जो कि बहुत ही आसान था. तो क्लास आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो कर लिया होगा. आप जो है साथ साथ में जो भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगी है जो भी आपको कोई काम दूंगी तो आपने जो है वो फॉरन से करना है. ओके क्लास. ओके क्लास नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 आप लोगों ने सबने ओपन कर लिया होगा बुक का. उसमें हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है. इसमें हमें करना ये है कि बहुत ईजी सा वर्क है, बहुत आसान काम है. आप लोगों ने के जी टू क्लास में भी जो है वो पढ़ा होगा. आप लोगों ने ये काम किया होगा. बहुत ही इजी सा काम है. बिग एंड स्मॉल. बिग आपको पता है बड़ा, स्मॉल छोटा. क्या आप लोगों को पता है, याद है बिग और स्मॉल का कि हम क्या क्या काम करते थे. इन ईच पेयर कलर द स्मॉलर वन ब्लू एंड द बिगर वन रेड. हमें ये पेयर्स बने हुए हमारे पास पिक्चर्स के, जैसे कि ये हमारे पास ये वाली पिक्चर बनी हुई है. उसके बाद हमारे पास ये बियर है और फिर बॉटल है और ये हमारे पास फिश है और ये गाड़ी मतलब ये कार है, बस है. हमें इनमें क्या करना है, हमें इनमें करना ये कि हमारे पास पेयर बने हुए बड़े और छोटे का, बिग एंड स्मॉल का. उसमें हमें जो स्मॉलर है जो छोटा है उसमें हमें ब्लू कलर करना है और बिगर वन रेड जो बड़ा है उसमें हमें रेड कलर करना है. ओके क्लास. आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से ब्लू और रेड कलर दोनों कलर अपने हाथों में ले लें. जल्दी से उठा लें ब्लू एंड रेड कलर. हरी अप तमाम बच्चे ब्लू एंड रेड कलर उठा लें. उसके बाद हम जो है इस पे काम करेंगे. और क्लास अपने जब भी बुक में हम कोई काम करेंगे या कॉपी में काम करेंगे हमने डेट एंड डे जरूर डालना है. जैसे कि आज का हम मैं काम करवा रही हूँ पेज नंबर 11 का, आज जो है आज डेट है हम वही डेट डालेंगे. और आज डेट है 8 जुलाई और डे है हमारा वेडनेसडे. तो हमें जो है हमें ये काम जो है जब भी हम कोई भी पेज का काम करेंगे और क्लास वर्क, जैसे कि ये क्लास में मैं आपको करवा रही हूँ तो आपने इसमें जो है वो क्लास वर्क लिखना है. और अगर मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ तो आपने उसमें होमवर्क लिखना है. डेट एंड डे आपको हर पेज को लाजमी डालनी है. अगर आपने किसी नहीं किसी बच्चे में से किसी ने नहीं डाली है तो तमाम बच्चे जो है अपनी अपनी बुक्स एंड कॉपी से वो डेट एंड डे जरूर डालें. ओके क्लास. तो क्लास आपके पास क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आपको ब्लू कलर उसमें यूज करना है और रेड कलर यूज करना है. अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें स्मॉलर जो भी छोटा है हमें उसमें ब्लू कलर करना है और जो बिगर जो बड़ा है उसमें हमें बहुत ही इजी सा वर्क है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ना ही मुश्किल काम है. इसमें जो है आपने छोटे वाले पिक्चर में जो है आपने इसमें ब्लू कलर करना है और बिल्कुल इसी के सामने जो हमारे पास जो ये पेयर बने हुए ये इन दो का पेयर है. ओके फिर ये दो का पेयर ये अलग है, फिर ये सी, फिर डी, ई, एफ. इसी तरीके से हम एक एक की तरफ आएंगे. अभी हम ए कर रहे हैं. ए वाले कॉलम में आप देखेंगे कौन सा जो है वो बड़ा है. जो बड़ा है उसमें हम रेड कलर करेंगे और जो स्मॉल है स्मॉलर है हम उसमें ब्लू कलर करेंगे. तो जल्दी से जो है वो तमाम बच्चे ब्लू एंड रेड कलर निकालें और जल्दी से ये काम करें. हरियाणा इसी के बाद आपके सामने टू टेबल्स हैं. तो
में जो है एक जो है आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जो स्मॉलर है उसमें हम ब्लू कलर करेंगे, जो बिगर है जो बड़ा है हम उसमें रेड कलर करेंगे. ओके, तो जल्दी से जो है आप स्मॉलर में ब्लू कलर करें और बिगर में रेड कलर करें. ओके, जल्दी जल्दी आप इसे करें इसी तरीके से. और बिल्कुल अच्छे बहुत डार्क कलर नहीं करिएगा, कलर को शॉर्प कर लीजिएगा. और जो है इसको आपने जो है बहुत गड़ा गड़ा भी नहीं करना, बिल्कुल लाइट लाइट सा हल्का हल्का कलर करना है और बाहर नहीं निकालना. आप लोगों को कलरिंग तो अच्छी आती होगी, आप लोग ड्राइंग करते होंगे, तो अब आपने जो है समझिए कि ड्राइंग तो हमारे पास एक एक्टिविटी टाइप है. तो जो बिगर है उसमें रेड कलर करेंगे, जो स्मॉलर है उसमें ब्लू कलर करेंगे. तो ऑल ऑफ यू हरियर डू योर वर्क, ये पूरे बेग अभी आपने करना है और बहुत ही जल्दी, मतलब अच्छे से नीट एंड क्लीन और जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि हम इसके बाद जो है और काम भी करेंगे. ओके, तो जल्दी से आप ब्लू कलर कर लें बड़ी वाली बकेट में, और सॉरी रेड वाली बकेट में जो है हम बड़ी वाली बकेट में रेड कलर करेंगे और स्मॉल वाली बकेट में जो है हम ब्लू कलर करेंगे. तो जल्दी से जो है आप ये करें. इसी तरीके से हमारे पास जो है टेडी बेयर बने हुए हैं, टेडी बेयर पे जो है हम जो बड़ा टेडी बेयर है जो बिगर है हम उसमें रेड कलर करेंगे, जो स्मॉलर टेडी बेयर है उसमें हम ब्लू कलर करेंगे. उसी तरीके से पानी की बॉटल है, इस बॉटल में जो है वो जो बिगर है उसमें रेड कलर करेंगे, जो स्मॉलर है हम उसमें ब्लू कलर करेंगे. ओके, इसी तरह फेशियल बनी हुई है, फेशियल का बेयर बना हुआ है, उसमें हमें जो है जो बड़ी फिश है बिगर है हमें उसमें जो है रेड कलर करना है, और जो स्मॉलर है हमें उसमें ब्लू कलर करना है. बहुत ही इजी सा वर्क है. इस तरीके से एफ है, एफ आप मुझे खुद करके बताएंगे जब मैं आपको बोलूंगी कि अपने कैमरा ऑन करें, तब आप मुझे दिखाइएगा वन बाय वन. ओके, जल्दी से आप इसे कम्प्लीट करें, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ. बहुत ही अच्छे से जो है आपने इसमें कलर करना है, जो बिगर है उसमें रेड होगा, जो स्मॉलर है उसमें ब्लू होगा. मीन्स के जो बड़ा है उसमें रेड कलर और जो स्मॉल है छोटा है उसे हम ब्लू कलर करेंगे. ओके, तो हमें इसमें करना ही है कि हमें बताना है कि जो बिगर होगा वो हमें खुद पता चल जाएगा. ओके, फिलहाल हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं. नेक्स्ट पेज हमारा है, इसमें भी ये बहुत ही इजी सा वर्क है, जैसे बिगर स्मॉलर का ही है. पेज नंबर 12, ऑल ऑफ यू पेज नंबर 12 से डालें हरियर. पेज नंबर 12 से आप लोगों के पास जो है पिक्चर बनी हुई है. इसमें क्वेश्चन ये है कि राइट बिगर एंड स्मॉलर वन हैज बीन डन फॉर यू. हमें इसे क्या लिखना है, बिगर लिखना है और स्मॉलर लिखना है. एक जो है इन्होंने हमें करके बता दिया है ताकि हम आसानी से जो है वो आगे काम और भी कर सकें. ओके क्लास, तो ए में जो है हमारे पास आप लोग एयर में देख सकते हैं हेलीकॉप्टर बना हुआ है और एरोप्लेन बना हुआ है. तो आप मुझे खुद बता, आप लोगों को खुद भी पता चल रहा होगा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्मॉलर इसमें से कौन सा है और बिगर कौन सा है. जो छोटा है हम उसमें जो छोटी पिक्चर होगी हम उसमें स्मॉलर लिखेंगे, और जो बड़ी पिक्चर होगी जो हमें बिगर लग रही होगी हम उसमें बिगर लिखेंगे. स्पेलिंग आप लोग ऊपर से देख सकते हैं, बिगर की स्पेलिंग बी आई जी जी ई आर बिगर. स्मॉलर की स्पेलिंग एस एम ए डबल एल ई आर स्मॉलर. तो क्लास आप इसे जो है वो पेंसिल से ही लिखेंगे, कोई कलर यूज नहीं करेंगे. पेज नंबर 12 ये बुक में ही करना है, ये हम कॉपी में नहीं करेंगे, ये हमें जो है वो बुक में ही करना है पेज नंबर 12. तो जल्दी से जो है आप इस पिक्चर को देखिए, ये बड़ी है, ये जो है आप लोगों को बड़ी नजर आ रही है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे बिगर. ऊपर आप लोगों के सामने स्पेलिंग लिखी हुई भी है बी आई डबल जी ई आर बिगर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बिगर. बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है, ना आप लोगों ने लिखना है कि आपके ये जो कॉलम बना हुआ है इसमें में आए, इससे बाहर ना जाए. ओके, इसी तरीके से हमारे पास ये पिक्चर बनी हुई है छोटी सी, जो कि बलून है, इसमें हम क्या लिखेंगे स्मॉलर. तो ऊपर से आप स्पेलिंग ऊपर से भी देख सकते हैं, आपको पता है एस एम ए डबल एल ई आर स्मॉलर, तो हम ये वाली स्पेलिंग कहाँ लिखेंगे यहाँ पर. ये बिगर था, हमने यहाँ बिगर लिखा, ये स्मॉलर था, तो हमने यहाँ पर
स्मॉलर लिखा, ओके। अब इसी तरीके से सी पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि रैबिट बना हुआ है और एलिफेंट बना हुआ है। तो रैबिट आप लोग को बिगर लग रहा है या स्मॉलर लग रहा है, काम आप लोग को नजर आ रहा है, आप लोग को खुद भी पता है, आप लोग यही कहेंगे कि ये स्मॉलर है, ये छोटा है, ये छोटी पिक्चर है, तो हम इसमें जो है स्मॉलर लिखेंगे, एस एम ए डबल एल ई आर स्मॉलर। एलिफेंट आप लोग को रैबिट के मुकाबले में जो है वो बड़ा लग रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिगर, बी आई डबल जी ई आर बिगर। इसी तरीके से डी आप लोग खुद करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से करना है। अब आप डी के जो है ये दोनों आप खुद करेंगे और मुझे फिर दिखाएंगे, ओके। ये आपने पेज नंबर 11 एंड 12 में आपको जो करवा रही हूँ ये आपने अपनी बुक में ही करना है, ये आपने अपनी कॉपी में नहीं करना, ये आपने ऑनली जो अपनी बुक में करना है। कॉपी में अभी आप कोई काम नहीं करेंगे जब तक मैं आपको नहीं कहूंगी, ओके। अभी हम सिर्फ जो है बुक वर्क कर रहे हैं, ये हमारा बुक का ही काम है, ये हमारे बुक पेज नंबर 12 पे है। इससे पहले मैं आपको पेज नंबर 11 करवाया है, तो ये आपने जो है दोनों पेजेस करने हैं, ओके। जल्दी से वो कलरिंग भी कम्प्लीट कर लें और उससे भी जो है वो आप लोग डन कर लें बिगर एंड स्मॉलर का कॉन्सेप्ट, आप लोग को इंशाल्लाह जो है वो समझ आ गया होगा, वैसे भी आपको तो पता ही होगा, लेकिन और जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो बड़ी पिक्चर हमें नजर आ रही है हम वहां पर बिगर लिखेंगे और जो हमें छोटी चीज नजर आ रही है, जो छोटी पिक्चर नजर आ रही है हम उसे स्मॉलर लिखेंगे। इन्होंने पेयर टाइप हमें पेयर बना के दिए हुए हैं दो दो चीजों के, हम उन दो थिंग्स में से बताएंगे कि कौन सी चीज जो है वो बिगर है और कौन सी जो है वो स्मॉलर है, ओके। इसे आप लोग कंप्लीट कर लें, पेज नंबर 11 एंड 12 आप लोगों ने अभी करना है, बहुत ही इजी सा काम है। आप लोग इसे जो है वो बिगर एंड स्मॉलर पेंसिल से लिखेंगे, ब्लू कलर यूज नहीं करेंगे इसमें। इसमें भी आपने डेट एंड डे लाजमी डालनी है, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपने डेट एंड डे जरूर डालनी है, ओके क्लास। क्लास आज आपने जो है ये टू पेजेस भी करने थे, ये हमारा जो है अभी हमने क्लास में ये समझने काम किया है। अब इसके बाद जो है आपको होमवर्क एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये पेज नंबर आपके पास जो शो हो रहा है अब पेज नंबर 10, ये आपने अपने घर में करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है ये पिक्चर यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको तो समझ आ सके। उसके बाद अपने पेज नंबर बुक पेज नंबर आप लोग जो है वो 10 पे आ जाए, तो फिर जो है मैं आपको जल्द से इसे बताऊँ। पेज नंबर 10 पे आप लोग आएंगे, उसमें आप लोग जो है अपने सामने देख सकते हैं, ये आपको होमवर्क है, आप लोग ये बुक में काम करेंगे, ये आपको कॉपी का काम नहीं है और ये आपने घर में करना है, ये अभी का काम नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए फिर शो करवा रही हूँ, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। और आप लोग की डायरी भी है, आप डायरी भी लिख लें जल्दी से, ये फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस पेयर ऑफ हैंड हैज 10 फिंगर्स, ये पेयर है हैंड का, जैसे कि आपको खुद भी आपको पता है आपके फिंगर जो है वो, अगर आप दोनों हाथों की पेयर दोनों हाथों की जो है वो हैंड्स की जो है वो फिंगर्स पे काउंट करें तो वो कितनी होती है 10। तो इसी तरीके से जो है मैंने हमें जो है हैंड टू हैंड्स को जो है वो पेयर दिखाया है, इसमें हम लोग फिंगर्स आपको तो पता है, लेकिन ऐसा हम लोग जो है वो दोबारा जो है इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का पेयर है। अब इसको करना क्या है, हमें लुक एट द नंबर नंबर्स इन दिस ग्रिड, सम पेयर ऑफ नंबर ऐड अप टू 10, फाइंड देम एंड कलर देम, टू पेयर हैव बीन डन फॉर यू। हमें जो है पेयर बनाने हैं, मीन्स कि हमें ऐड करके जो है वो 10 का पेयर बनाना है, कि दो नंबर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 10। तो हमें जो है वो कलर बनाना है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, उसमें लाजमी नहीं है कि हम एक ही कलर यूज करें, हम कोई भी कलर, लेकिन कोशिश कीजिए कि लाइट लाइट कलर करें, ताकि जो है नंबर जो है वो क्लियरली नजर आए। ये आप लोग का होमवर्क है, ये आपने घर में करना है, आपने डेट डालनी है, डे लिखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और ये आपका होमवर्क है, आप लोग होमवर्क की भी एडिंग डालेंगे उस पर और पेंसिल से लिखेंगे, ओके। तो क्लास अब जो है इन्होंने दो हमें करके भी दिखाया है, तो मैं आपको इन दो को भी बता देती हूँ, एक और भी मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप लोग जो है आसानी से कर सके। इन्होंने जो है ऊपर वाले लाइट ग्रीन टाइप कलर हुआ है, उसमें
में आप लोग देख सकते हैं कि 1 और 9 आपको पता है 9 में 1 ऐड करेंगे वहां पर क्या आ जाएगा 10, उसी तरीके से 6 में 4 ऐड करेंगे वहां पर क्या आ जाएगा 10। तो आपने करना ये है कि आप जो अगर साथ साथ कर रहे हैं तो आपने डिफरेंट कलर यूज करना है, एक ही कलर नहीं यूज करेंगे, उससे क्या होगा तो वो हमें ऐसा लगेगा कि ये एक ही ड्रॉ जा रही है या एक ही लाइन जा रही है, उस तरीके से नहीं करना। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ब्लू यूज कर रहे हैं तो यहाँ कोशिश करेंगे येलो कर रहे हैं, अगर यहाँ पर भी आ रहा है तो आप यहाँ क्या करेंगे एक यहाँ पर आप जो है वो ऑरेंज कलर कर लेंगे, येलो कर लेंगे, कोई भी मतलब डिफरेंट कलर आप लोग कर लेंगे, जो करीब करीब होंगे ना वहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर करेंगे, उसी तरीके से आप जो क्रॉस कलर को जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पर आपने देखा 9 में 1 ऐड किया 10 आ जाता है, इसी तरीके से हमें पेयर बनाने हैं, इसी तरीके से आप बिल्कुल इसी के बराबर में देखेंगे आप लोग को ये जो है फाइन करने हैं, ढूंढने हैं और इनमें जो है वो आपने पेयर बना के कलर करने हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं 8 2 8 में हम आपको पता है कि मैं अगर 8 में 2 प्लस ऐड करती हूँ 8 में 2 तो मेरे पास क्या आता है आंसर 10। तो मैं यहाँ पर क्या कौन सा कलर कर दूंगी, यहाँ पर मैं ब्लू भी कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं रेड भी कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं ग्रीन भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर डार्क ग्रीन कर सकती हूँ और यहाँ पर जो है मैं पर्पल कर सकती हूँ, कोई भी जो आपको दिल करे आप वो कलर कर सकती हैं। ओके, इस तरीके से 8 और 2 को कलर बनाया, उसमें आपने कलर भर दिया। ओके, इस तरीके से आप ऊपर देख सकते हैं 9 1, आपको पता है 9 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 10, तो इसमें आप कलर कर देंगे। इस तरीके से ये जो आपको पेज दिया गया है आपने ढूंढने हैं और पेयर बना बना के आपने कलर करना है, तो बहुत ही इजी सा वर्क है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल उसका अप्लाई नहीं करना, बस आपने जो है वो आपको एडिशन का आपने काम किया था, बहुत इजी सा वर्क है, बस आपने इस तरीके का पेयर फाइंड करना है जो जिसको जो है हम अगर आपस में ऐड करें तो हमारे पास 10 आए। ओके, तो क्लास ओपन योर डायरीज, डायरी आप लोग लिखेंगे, बस एक ही बहुत ही छोटा सा काम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपने अपनी डायरी से लिखना है, डू वर्क इन बुक पेज नंबर 10। आपने अपने बुक में जो है वो पेज नंबर 10, आपकी बुक का पेज नंबर 10 जो है वो आपने उसे करना है।